नमस्कार, नमस्कार। मैं कृष्ण बिहारी पाठक जन सरोकार मंच के इस आभासी पटल पर आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वार्ता में हम आज एक बेहद खास आयोजन के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, बहुविधाओं में लेखन करने वाले और पिछले 7 दशकों से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय आदरणीय जय गोगन बैनर्जी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। 7 दशकों की साहित्यिक यात्रा और नाटक, कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, हर विधा में लेखन, संस्मरण सभी विधाओं में आपका समृद्ध लेखन, तो इस लेखन यात्रा की शुरुआत और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इन सबसे रूबरू होते हुए हम आप इस मंच के माध्यम से आपका परिचय कराना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और पृष्ठभूमि क्या रही। प्राथमिक शिक्षा हिंडौन में हुई, उसके बाद में माँ के निधन के बाद में हम कोटा सरस्वती विद्यापीठ में पढ़े। वहाँ हमने नाटक, साहित्य और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शिक्षा ली, संगीत की ली। और वो वैसे तो लड़कियों की विद्यापीठ थी वो, लेकिन उसमें कुछ मैनेजमेंट के सदस्य हमारे जीजाजी भी थे, इसलिए वहाँ शिक्षा भी हुई। इसके बाद में हाई स्कूल में हिंडौन में भी शिक्षा हुई। बीए मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से किया, क्यों पिताजी दिल्ली रहते थे, और मेरठ कॉलेज भारतवर्ष के प्राचीन कॉलेजों में से था, जहाँ डॉक्टर पी शरण, डॉक्टर रामनाथ शर्मा प्रसिद्ध लेखक भी थे। एमए राजस्थान विश्वविद्यालय से किया, उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय था। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो सर्वोच्च परीक्षा थी साहित्य रत्न, वह भी मैंने पास की। ऋषिकुल विद्यापीठ की साहित्य और ज्योतिष की जो परीक्षा थी विद्या कला निधि, वो भी मैंने पास की। इस तरह से निरंतर शुरू में कविताओं का शौक रहा, और कविताओं का हिंडौन में उस समय अच्छा माहौल था, इसलिए कविता लिखने का शौक हुआ। कौन से सन की बात होगी जब शुरुआती दौर कविताओं का रहा? लगभग 1963 के लगभग। हाँ, भारतीय साहित्य परिषद का हिंडौन का मैं अध्यक्ष भी रहा, और जनवादी लेखक सम्मेलन से भी जुड़ा रहा। इसके बाद में भारतीय साहित्य परिषद से जुड़ा रहा, जिसके सम्मेलन सवाई माधोपुर वगैरह कई, भरतपुर और अन्य स्थानों पर भी होते थे। अखिल भारतीय लेखक सम्मेलनों में कई स्थानों में, जैसे भरतपुर है, आगरा है, कोटपूतली है, और त्रिवेणी धाम बाबा भगवान दास कॉलेज, वहाँ भी लेखक सम्मेलनों में भाग लिया। आगरा में से टीवी पर प्रकाशित हुआ निराला जयंती के उपलक्ष में लगभग जो परिचर्चा थी उसमें, जिसमें देश के प्रसिद्ध विद्वानों का समावेश था भरतपुर लेखक सम्मेलन में, डॉक्टर चंचल चौहान, शिवसागर मिश्र, मनु भंडारी आदि लेखक भी उसमें आए थे, और पानू खोलिया जो भरतपुर कॉलेज में थे, जया कॉलेज में, उनकी कहानी थी एक हीली गोन की बतकें। ये हाँ, अज्ञे जी की कहानी का उन्होंने वो किया है। हाँ, अज्ञे जी की कहानी थी हीली गोन की बतकें, और ये पानू खोलिया जी ने उन पर काम किया, तो वो जुड़े रहे उस चीज से। हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर ब्रजेन जी कोड़िया मोहल्ले में रहने वाले एक डॉक्टर साहब थे, वो भी अच्छे लेखक थे। निश्चित रूप से आपकी स्मृतियों में एक बहुत भरा पूरा संसार हम साहित्य का देखते हैं, और 60-70 वर्षों की एक यात्रा जो साहित्य के हर युग से हर विधा से गुजरते हुए आपकी स्मृति में अभी भी ताजा है। बिल्कुल, आपकी आपने बताया शिक्षा आपकी हिंडौन, कोटा, अनेक स्थानों को ही, और अकादमिक शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष, संगीत, साहित्य, इन सबका, वास्तुकला, इन सबका भी आपने अध्ययन किया, और इसमें आपने महारत हासिल की। आपकी जो रचनात्मकता की ओर जब आप मुड़े, तो पहली रचना आपकी कौन सी आई? बसंत श्री की शोभा,
तो ये बसंत के ऊपर कवित्व लिखा मैंने पहली बार। उससे मुझे कब लिखा आपने, कितने वर्ष? ये भारतीय साहित्य परिषद की किताब में भी छपा है, किताब भी मौजूद है उसमें। ऋतुराज आगमन देखा कोयल हर्षित मन कुहुक रही, बन बागन में चहुं दिस दिस में कोयल हर्षित मन कुहुक रही। आम्र फले सब पुष्प खिले, ली धरती ने अंगड़ाई है, न पल्लव तोरण द्वार सजे, भू दुल्हन सी शर्माई है। तो बिल्कुल बसंत से कविता यात्रा शुरू होती है, और कविता माँ सरस्वती का जन्मदिन है और निराला जी का भी जन्मदिन। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं कि लगभग 50 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और कुछ पुस्तकें यहाँ मेरे सामने भी हैं जिनमें हिंदी व्याकरण एवं रचना और गौतम बुद्ध की जीवनी धर्म चक्र के नाम से, प्रेम रस वल्लरी, छत्रपति शिवाजी के ऊपर नाटक, तिमनगढ़ पर एक ऐतिहासिक नाटक, वीर दुर्गादास राठौर आधे अधूरे, और भगवान परशुराम की जीवनी तेजस्वी, प्रयास एक कहानी संग्रह, भक्तिमती नीरा गुरु गोविंद सिंह पर एक कृति, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर, महाकवि सूरदास पर, और यहाँ देख रहा हूँ मैं गोविंद सत्सई में आपके दोहों का एक पद में वो है, और तीनों ही विधाओं में लिखा है मैंने। तो इसमें हिंदी में गजलें भी लिखी हैं, ब्रज भाषा में भी लिखा है, और उर्दू मिश्रित भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। तो आपने बताया बसंत कविता से आपकी कविता यात्रा की शुरुआत हुई, पुस्तक के रूप में आपकी पहली कृति कौन सी है? तिमनगढ़ जो यहाँ तिमनगढ़ सो गढ़ नहीं शिल्प वे जोड़, गीत गाते पत्थरों की करे न कोई हो। देखा है अखबारों में जो रचनाएं लिख रहा था मैं जी, एक दिन पढ़ने के बाद में वो लोग उसे भूल जाते, इसलिए स्थायी साहित्य के रूप में मैंने लिखना शुरू किया, फिर अखबारों में कम लिखना चालू किया, जिसमें सबसे पहले सवाई माधोपुर में जो एक गोष्ठी हुई थी भारत विकास परिषद की जी, उससे प्रेरणा मिली रणद भंवर की, और पहला जब पोस्टिंग हुआ मेरा नागौर जिले में तो एक बार मेड़ता जाने का अवसर मिला, उससे प्रेरणा मिली भक्तिमती नीरा लेखन की। उसके बाद लगातार मैंने कई पुस्तकें लिखी, गुरु गोविंद सिंह है, सूरदास है, सत्सई है, लगभग 50 के लगभग आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं। ये आधे अधूरे जो है प्रशासनिक क्षमता पर लिखी है, भगवान परशुराम पर लिखी है तेजस्वी, प्रेम रस वल्लरी महाकवि घनानंद के जीवन पर आधारित है। अच्छा, घनानंद जी पर आधारित है, प्रेम रस वल्लरी, छत्रपति शिवाजी ये शिवाजी के ऊपर और तिमनगढ़ जो करौली में ये ऐतिहासिक जो किला है, करौली के इतिहास के लिए प्रसिद्ध जो किला है, और रहस्य अपने रहस्य रोमांच से भरी इसकी कहानियां मिलती हैं। तो इसमें तिमनगढ़ किस नाटक की विधा के रूप में है? नाटक की विधा पर है जी, और इसमें जो टाइटल सॉन्ग मैंने महसूस किया उसमें अरावली वन घन शिविर बंचर करते शोर, आप चाहे तो इसका प्रश्न खोल लें क्योंकि बहुत पहले लिखी गई रचना है, तो स्मृति के इसमें यहाँ ये आपके पूज्य पिताजी का आपने समर्पित किए ये कृति आपकी। और अरावली वन घन सगन बंचर करते शोर, चंद्रवंश यदुवंश की उदित हुई जय भोर, अच्छा आपको जो साहित्य में जुड़ने का जो लगाव रहा है, प्रेरणा रही, परिवार में किसी को देखकर आप साहित्य से जुड़े या अपने अध्ययन के आधार पर या किसी और, प्रेरक कौन रहे आपके साहित्य में? विभिन्न गोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में, और जो समीक्षात्मक पुस्तकें आती थी उनकी समीक्षाएं लिखने में इस तरह की रुचि जागृत हुई। दूसरी बात, कुछ समय मैंने युगदा नामक साहित्यिक जो पत्रिका थी उसका संपादन भी किया, हिंदू से निकलती थी और ग्रामवाणी का भी संपादन किया, जिनसे रामजीलाल जी जैन पूर्व प्रधान से भी प्रेरणा मिली। हिंदोन की साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएंगे, कैसा वातावरण रहा जब 1963 की आप बात करते हैं, तो कौन कौन लोग उस समय सक्रिय थे और किस तरह का माहौल था यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियों में? शुरू में यहाँ ऐसे लोग थे जिनमें
जिनकी रुचि थी, जैसे लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री, जो कामरेड बाबा प्रसादी लाल, उसके बाद में उनके शिष्य सुभाष उपाध्याय और कुछ साथ बाद में जुड़ते गए उर्दू में, ए बफा नाम के थे शायद, रईस अहमद बफा, वो भी जुड़े और यहाँ आगरा के वो रहते थे जीएम बख्शी अकबर आबादी, वो भी जुड़े जो उर्दू की विधाओं में रहते थे, उर्दू के मुशायरे भी होते थे, उनका संचालन भी किया, कवि सम्मेलनों का संचालन भी मैंने किया। संचालन का भी मैं बात पूछना चाह रहा था, क्योंकि संचालन की भी आपकी एक बहुत समृद्ध यात्रा रही है, शहर के जितने भी बड़े बड़े आयोजन और विशेष रूप से हिंडौन की जो पारंपरिक धरोहर थी यहाँ की रामलीला, उसका आपने कई वर्षों तक संचालन सफल संचालन के सूत्रधार के रूप में आप, तो उसके लिए कोई संस्मरण आप सुनाना चाहें? लंबे समय तक रामलीला जो यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा आयोजित की जाती थी, उसका मंच संचालन भी किया। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के जो राजस्व अभियान थे या और दूसरे कार्यक्रम थे सांस्कृतिक धरोहर के, उनका संचालन भी मैंने किया। छैल बिहारी जी पाठक के निर्देशन में जो यहाँ साक्षरता अभियान चले, उनका संचालन भी मैंने किया उनके सहयोग से, और साक्षरता पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में प्रकाशित रचनाएं भी हुई। एक शिक्षक के रूप में भी आपने सरकार में विभाग में सेवाएं दी, तो उस समय शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जो जो अभियान चलते, जो जो आयोजना कलात्मक शैक्षिक सांस्कृतिक आयोजन होते, उनमें आपकी कविताएं आपकी रचनाएं उस रूप में भी आती रही, और संचालन का आपका एक विशेष एक अंदाज है आपका जो सबको पसंद आता है, और एक गोष्ठियों में भी जी मैंने उनका संचालन किया। इसके अतिरिक्त जो प्रथम पोस्टिंग मेरे हुए कई विभागों में, उनसे मुझे रुचि नहीं रही, इसके बाद में मैंने बीएड करके एजुकेशन में शिक्षा विभाग में ही सीमित रह के मैंने विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन किया समग्र रूप से, और अपनी वाणी और अपने लेखन शैली के द्वारा उनका लेखन किया, जो जनमानस में अपने आप में बिल्कुल ये दिखता है। आपने जिन नायकों का चयन किया है, जैसे गौतम बुद्ध लें या छत्रपति शिवाजी की बात करें, या रणभवर के ऐतिहासिक उस दृश्य की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई या वहां कवि सूरदास और घनानंद, जो आपने नायक अपनी रचनात्मकता में जिन नायकों पर आप केंद्रित रहे, वो अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत रही है। इसके अलावा प्रदेश की लगभग सभी पुस्तकालयों में आपकी पुस्तकें पहुंची हैं, तो विद्यार्थी भी इनसे लाभान्वित हो रहे हैं लगातार, और जैसा मैं अभी पहले भी कह चुका हूं कि लगभग 50 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं, तो प्रतिवर्ष एक पुस्तक की मैं मानता हूं प्रतिवर्ष एक पुस्तक आपकी प्रकाशित होती रही है। शुरू में तो ज्यादा हुई है पुस्तक प्रकाशित, अखबारों में भी बहुत लिखा है जी, लेकिन मुझे जो इतिहास साहित्य पढ़ने को मिला, उससे जो मुझे प्रेरणाएं मिली, उन नायकों के बारे में मैंने अधिक लिखा, जैसे छत्रपति शिवाजी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, और जो मुगल काल में उथल पुथल हुई ब्रज क्षेत्र में और वहां की मूर्तियां तिमनगढ़ किले में आई संरक्षित करने के लिए, उस तिमनगढ़ पर भी मैंने किताब लिखी। करौली के एक राज परिवार में थे हरिचरण जी दीवान, उनके लड़के हैं आज राजेंद्र दीवान, हाँ वो देखते हैं उसका काम इंटेक्ट धरोहर के नाम से, वो वल्लभ भाई साहब के पास में अधिकतर बैठते थे कटरा बाजार में, तो वो भी मुझे सचेत करते थे कि इस विषय पर आप लिखो। तो तिमनगढ़ किताब जब लिखी मैंने, तो सबसे पहले वेणुगोपाल और हरिचरण जी दीवान को ही दी। बिल्कुल, आपकी इस अभी जो आपने स्मृति का जो संस्मरण सुनाया तिमनगढ़ की रचनात्मकता से जुड़ा, उसमें वहाँ एक और आपने वल्लभ भाई साहब का भी नाम लिया, जो हिंडौन में एक शिक्षा के स्तंभ कहे जाए और हिंडौन के शिक्षा दीप कह सकते हैं जिनको, और वल्लभ भाई साहब के साथ साथ आपने हरिचरण दीवान जी की बात की, और वेणुगोपाल जी जो सब साहित्य करौली की साहित्यिक संस्कृति को बढ़ाने वाले लोग, शैक्षिक संस्कृति को बढ़ाने वाले लोग आपने बताए।
एक पुस्तक जो आपकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चर्चा में रही, गोविंद सरसई यहाँ मेरे सामने है, जिसमें आपने दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में लिखी, और मैं देखता हूँ इसमें आपने ज्योतिष को लेकर भी दोहे लिखे हैं, आयुर्वेद पर भी इसमें दोहे मिलते हैं, रत्न विज्ञान, हाँ रत्न विज्ञान पर भी है इसमें, तो बहुत सारी चीजों को लेकर है। इनमें से कोई एक दो दोहे आप पाठ करना चाहें यहाँ तो? ये एक दोहा तो मेरा बहुत अच्छा पसंद, वो बहुत किया है, उसको पसंद किया जाता है वो। शिक्षा संस्कृति आचरण है जीवन के अंग, जो जितनी पीसे हिना उतना उभरे रंग। गुरु दरखत के भांत हैं, गुरु दरखत के पांत हैं, यानी कोई बात नहीं, एक लंबी अवधि में है। और वो शिक्षा, ये तो आपके प्रथम प्रश्न पे है, ये शिक्षा संस्कृति आचरण है जीवन के अंग। वास्तव में आपने जो आतंकवाद पर जो लिखा जी, केसर की ये क्यारियां खेलें खूनी फाग, सूनी मांग बिलकती आतंकी के दाग। और मद भरे रस भरे फागुन के बारे में लिखा है मैंने जी, छेल छबीले छेल के गाएं फागुन गीत, रसिक प्रिया और लाल की हृदय जगी है प्री। ये फागुन के बारे में जी मैं देखता हूँ, या ज्योतिष को लेकर भी कई अध्याय हैं, फागुन के ऊपर अलग से कई सारे, बसंत के ऊपर ऋतु जिसको हम कहते हैं ऋतु चर्चा भी है, उत्सवों की, और जो हमारे हिंदी महीने जो कार्तिक आसोज इनके भी आपने एक तरह से, तो एक बारह मासी वर्णन देखते हैं। वास्तु खंड में भी आपने बहुत अच्छा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, पूरब दिशा ऊंची मही करे पुत्र धन नाश, आग्नेय दक्षिण दिशा पश्चिम करे विकास। तो दोहों के रूप में एक बहुत सरल रूप से हमारी परंपरा और संस्कृति को समझने का काम ये कृति करती है। भक्ति नीति का एक अलग से खंड है, इस पुस्तक पर अलग से भी हम चर्चा किसी दिन रखेंगे। और कई पुरस्कार आपको इस साहित्य की यात्रा में मिले हैं, और अभी जो मैं पूछना चाहूंगा, इन दिनों आप कौन सी रचना पर काम कर रहे हैं, इन दिनों क्या लिख रहे हैं? इन दिनों में एक रचना हुई है, अभी नाटक विधा पर लिख रहे हैं या कविताओं को लेकर लिख रहे हैं? अभी एक जो 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ जी, उसके बारे में मैंने एक उपन्यास टाइप लिखा है, जिसमें चीन से भी पाकिस्तान से भी हमारे थोड़े से मनमुटाव रहे हैं, और वहां के एक परिवार के माध्यम से मैंने उस मंजर का वर्णन किया है जिसमें उसको भुगतना पड़ा, किस तरह कत्लेआम हुए, बंटवारे के टर्म की हत्याएं हुई, हिंदुओं के साथ में भी अत्याचार हुए, उसके बारे में समय का पंछी नामक उपन्यास लिखा है, जो 1947 से लेकर और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक का समय है, जिसमें हमने भारत के साथ में विकास किया है, दुनिया में मोदी का आधिपत्य जमा है, और भारत में जगत गुरु की पुनः स्थापना के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसमें भी अच्छा योगदान मिल रहा है। इस पर मैंने जो मोदी जी को कविता लिखी और धर्मचक्र नामक पुस्तक भेजी, उसके बारे में मोदी जी ने भी मुझे बधाई और प्रशंसा पत्र लिखा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में भी लगभग 15-20 प्रशस्ति पत्र मिले हैं, कई संस्थाओं ने जैसे भारत विकास परिषद है या और दूसरे, उन्होंने प्रशस्ति पत्र लिखे हैं, कई संस्थाएं उन्होंने साहित्य रत्न और साहित्यविद की उपाधि भी दी है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो कलेक्टर रहे उनका भी मुझे काफी, डॉक्टर प्रीतम सिंह, और सबसे ज्यादा नीरज के पवन, जिन्होंने कवि सम्मेलन आयोजन की जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी थी। बिल्कुल, आपके कुशल संचालन में अनेक कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियां, साहित्यिक संगोष्ठियां, गोविंद ससई तो कई बार प्रकाशन हो चुका है, इसके कई संस्करण आ चुके हैं, प्रकाशन में नीरज के पवन ने ही इसका इसका 12 एसोसिएशन में इसका विमोचन किया था। बिल्कुल, अब
जाते मिलते जलते ये नई नई बातें आपसे सीखने को मिली है। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा कि साहित्य से जो नई पीढ़ी जुड़ना चाहती है, युवा लोग जो लिखने से और पढ़ने से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मीडिया प्रिंट का जमाना है, लेकिन पुस्तकों का पढ़ने का अपना आह्लाद और आनंद अलग ही है। पुस्तक से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। बालकों को चाहिए कि ऐसी लाइब्रेरियों का विकास हो जिनसे वो पुस्तक पढ़ें और ज्ञान अर्जन करें। आजकल जो प्रिंट मीडिया है उसके द्वारा भी प्रचार हो रहा है, सोशल मीडिया के, लेकिन वो आधा अधूरा ज्ञान है। स्थायित्व तो ज्ञान के लिए मुद्रित सामग्री से जुड़े हो, हाँ, पुस्तकों से जुड़े, तो एक बहुत अच्छी बात आपने नई पीढ़ी के लिए कही, क्योंकि वास्तव में इस चीज का एक अभाव देखा जा रहा है। पुस्तक संस्कृति दिनों दिन छीन होती जा रही है और हम सोशल मीडिया पर जो ई फॉर्म में आ रहे, हालांकि उसका एक अपना महत्व है, लेकिन मुद्रित माध्यम के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकों का महत्व सदा बना रहेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और नई पीढ़ी बिल्कुल आपकी इस वार्ता को सुनकर प्रेरित होगी, जुड़ेगी। आप निरंतर सृजनरत रहें, स्वस्थ रहें और साहित्य समाज में आपकी रचनात्मकता से समृद्धि होती रहे, समृद्धि होती रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे किसी आयोजन में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।